हेलो स्टूडेंट्स लेट्स रीड द क्वेश्चन मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन हमें लिस्ट वन में जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हुए हैं और हमें जो लिस्ट uh, टू है वो उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए जो प्रोडक्ट्स uh, हैं उनके नाम दिए हुए हैं और हमें करेक्ट मैच करना है इनको आपस में ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं एस नाइगर की ओके जिला नाइगर की अगर बात करें तो ये क्या प्रोड्यूस करता है इट इज ये प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड ओके तो हमारा वन वन का आंसर हो गया डी अब बात करते हैं किसकी एसिटोवेक्टर एसिटी तो नाम से ही समझ में आ रहा है एसिटोवेक्टर एसिटी क्या है बैक्टीरिया है और अगर इसकी बात करें तो ये क्या ये क्या प्रोड्यूस करेगा एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करेगा एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करेगा ठीक है तो जो हमारा सेकंड वाला है उसका आंसर क्या हो गया सेकंड का हो गया सी तो देख लेते हैं डी और सी किस में तो हमें ये दिख रहा है ऑप्शन फोर में तो हमारा वन आंसर नहीं हो सकता टू भी नहीं हो सकता थ्री भी नहीं हो सकता लेकिन आगे का अगर हम देखें तो देखिए क्या होगा क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाई ब्यूटाइलिकम अगर इसकी बात करें तो यहाँ इसके भी नाम में दे रखा है कि ब्यूटालिक लिखा हुआ है तो ब्यूटारिक एसिड करेगा ठीक है तो थर्ड का हो गया हमारा बी ओके तो थर्ड का हो गया बी और लैक्टोवेसिलस लेक्टोवैसेल क्या करता है हमें अच्छे से पता है कि लेक्टोवैसिलस जो है वो मिल्क की शुगर को जो है वो लैक्टिक एसिड में चेंज करता है ठीक है और वाइटामिन बी ट्वेल्व का कंटेंट बढ़ाता है तो आप देखेंगे कि ये कौन करता है ये करता है लेक्टोवेसिलस ओके इट इज ऑल्सो एन बैक्टीरिया और ये क्या प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड तो हमारा थर्ड का हो गया थर्ड का हो गया बी एंड फोर का हो गया हमारा ए तो आंसर आएगा डी सी बी ए आंसर क्या है आंसर वुड बी फोर हमारा करेक्ट आंसर अब अगर इसका एनसीईआरटी टी रेफरेंस चाहिए तो हमें कहाँ मिलेगा ये हमें मिलेगा न्यू एन सी आर टी ऑफ क्लास ट्वेल्थ पेज नंबर 153 पे आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा आई होप यू हैव अंडरस्टूड थैंक यू सो मच